नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ने गया सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए जताई संवेदना, 4 लाख रुपए देने का दिया निर्देश। मंत्री नीरज ने तेजस्वी को बताया प्रिंस ऑफ घोटालापुर, कहा राघोपुर में ऑल इज बेल नहीं ऑल इज गेल है। सत्रह जून के बाद फिर से देश हो सकता है लॉक, मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। राजद सुप्रीमो लालू यादव का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा देश के बाकी सीएम मूर्ख, एक यही है अनुशासित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले के आमस अंचल के ग्राम बिशुनपुर मोड़ के निकट सड़क हादसे में 9 लोगों के मारे जाने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मरे सभी मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब देने का निर्देश दिया है। बताते चले कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि सवारी ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक आमस के रेंगनिया गाँव के 26 लोग 2 ऑटो से तिलक चढ़ाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में यह हादसा हुआ। ट्रक से हुई सीधी टक्कर में दोनों ऑटो चपेट में आ गए। सभी मरने वाले रेंगनिया गांव के हैं। मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को प्रिंस ऑफ घोटालापुर कहा है। नीरज कुमार ने कहा है कि इस बार राघोपुर में ऑल इज वेल नहीं ऑल इज गेल है। नेता प्रतिपक्ष पर हमला करते हुए मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि प्रिंस ऑफ घोटालापुर तेजस्वी यादव राघोपुर तो हो आए, बुझे हुए लालटेन और आंखों पर पड़ी भ्रष्टाचार की पट्टी से कोरोना काल में वहां क्या क्या हुआ दिखा तो होगा नहीं। राजनीतिक कोरोना फैलाने से कुछ नहीं होना, सुशासन है। यह डाटा किसी से समझ लीजिए। आपके लिए अब की वहाँ ऑल इज बेल नहीं ऑल इज गेल है। आपको बता दे कि परसों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्र का दौरा किया था और वहां लोगों से बातचीत की थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ा अब 3 लाख के पार जा चुका है। पीएम मोदी 16-17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि देश में अनलॉक 1 जैसी स्थिति बरकरार रह सकती है। हालांकि इस बार लोगों को कुछ नए और सख्त प्रावधान देखने को मिलेंगे। पूर्ण लॉकडाउन की संभावना न के बराबर है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां के लिए अलग हिदायतें जारी रहेंगी। ऐसे राज्यों में ऑड इवन जैसी शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जा सकता है। मार्केट के लिए भी ऐसे ही नियम देखने को मिलेंगे। कोविड-19 टेस्ट का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन के लिए नए दिशा निर्देश जारी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों से बातचीत करेंगे। उसके अगले दिन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत का कार्यक्रम तय किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों से कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव के बाद अब उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें लालू यादव ने लिखा है, परेशान किसान, बेरोजगार नौजवान, तड़पते मजदूर, बिलखते बच्चे और भूख से बेहाल गरीबों को उनके हाल पर छोड़कर देश का एकमात्र अलहदा मुख्यमंत्री डर के मारे 77,7600 सेकेंड से आलीशान क्वारंटाइन बंगले में छिपा है।
क्या बाकी सब मुख्यमंत्री मदद के लिए बेवजह सड़कों पर हैं? बस एक यही अनुशासित हैं। बता दें, इससे पहले लालू के छोटे लाल एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि कोरोना के डर से सीएम नीतीश कुमार बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें इतना ही डर है तो वे मैं उनके आगे आगे चलने को तैयार हूँ, वे जनता का हाल देखने के लिए बाहर निकले। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से खबर है, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 54,000 शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसे जानना बेहद जरूरी है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि दिसंबर 2019 में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 जून को निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने 23 नवंबर 2019 को ही इस नियोजन के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तय कर दी थी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने सोमवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि NIOS से 18 माह का सेवाकालीन DELED कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ही अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश और NCTE की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने 15 जून से 14 जुलाई तक ऐसे योग्यताधारियों से आवेदन मांगे हैं। नियोजन को लेकर गतिविधियां 15 जून से ही आरंभ हो जाएगी। स्थिति से 14 जुलाई तक मात्र DELED वाले और TET और CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी से आवेदन लिए जाएंगे। 18 जुलाई तक मेघा सूची तैयार होगी। 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा। पटना में सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स की 72वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार में बैंकों के प्रति बहुत अच्छी अवधारणा है, लोगों के इसके प्रति आकर्षण है, लोग अपनी सेविंग का अधिक से अधिक पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जबकि बैंक हमारे राज्य के जमा पैसों को यहाँ के बैंक विकसित राज्यों में लगा देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर ग्राम पंचायत में बैंक की शाखा खोले, सरकार आपकी पूरी सहायता करेगी। सीएम ने कहा है कि राज्य में रोजगार सृजन की आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार में बैंक अपने कैंप डिपॉजिट रेपियो एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाए। बैंक जीविका को दिए जाने वाले 1 से 5 लाख तक के ऋण को बढ़ाकर 3 से 10 लाख रुपए करें। नए उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म
एवं लघु उद्योगों को लगाने एवं उसे बढ़ाने में बैंक अपना पूरा सहयोग दे। कि जीविका समूह में कितनी जागृति, तो उसकी जागृति को देखते हुए तो भाई अगर उनको और दीजिएगा तब ना, यहाँ तो गांव में जाकर के देखिएगा आपको भाई बहुत आश्चर्य, कृषि के क्षेत्र में हो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमने देखा कि महिलाओं में इतनी जागृति है हर एक क्षेत्र में। तो मेरे हिसाब से भाई हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और हमारे जीविका समूह को आप जो देते हैं जितना पैसा, हमारे ख्याल से एक मिनट कहीं लोगों ने आंकड़ा मुझको दिया था एक, कि आप लोग कितना देते हैं जीविका समूह में, अब उसके हिसाब से ज़्यादा आपको सोचना चाहिए उसको देने के बारे में, तो मुझको काफ़ी खुशी होगी। देखिए स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि बैंकों द्वारा 4 किस्तों में दी जाती है। हम लोग का आग्रह होगा, हम इसलिए जीविका समूह की इतनी चर्चा कर रहे हैं, जितनी जागृति आई है कि अगर उसको ऋण देने का आप 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कीजिए, एक तो हमारा ये है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, और तीसरा भाई ACP को तो बढ़ाइए। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के पीछे से पर्दा हट नहीं पा रहा है। एक बात जो सामने आए हैं वे यह कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे और पिछले 6 महीने से उनका इलाज करवा रहे थे, लेकिन बुलंदियों पर बैठे सुशांत को किस चीज़ का अवसाद था, इस राज से पर्दा हटाने के लिए अब मुंबई पुलिस नए एंगल से जांच करेगी। देशमुख ने ट्विटर पर लिखा है कि हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, डिप्रेशन एंगल की भी जांच की जाएगी। वहीं सुशांत सिंह के साथ काम कर चुके एक्टर रणबीर शौरी का रिएक्शन भी सामने आया है। सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार के बाद रणबीर शौरी ने ट्विटर के जरिए अपनी बात सभी के साथ साझा की। रणबीर शौरी ने ट्वीट कर फिल्म इंडस्ट्रीज को खूब कोसा है, इसके साथ ही तरह तरह के आरोप लगाए हैं। पटना से एक बड़ी खबर है, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन को नया चेयरमैन मिल गया है। कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। कामरान रिजवी यूपी कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। कामरान रिजवी वर्तमान में केंद्रीय शहरी कार्य आवास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित हैं। पटना मेट्रो का नया चेयरमैन मिलने से काम में तेजी आने की संभावना है। साथ ही पटना मेट्रो प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इस सेल के प्रभारी बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। कोषांग में 3 सर्वेक्षक, 3 अमीन और 1 IT असिस्टेंट की भी नियुक्ति की जाएगी। भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पटना के DM को PMRCL की ओर से पत्र भी भेजा जा रहा है ताकि जमीन अधिग्रहण जल्द हो सके। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम, फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR,
मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आज पटना के राजेंद्र नगर के प्रेमचंद गोलंबर स्थित सम्प हाउस का निरीक्षण किए और पिछले साल बारिश के पानी के कारण से पूरा पटना डूब गया था, इसलिए नाले को निरीक्षण किया ताकि फिर से पटना नहीं डूबे। सरकार भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता पटना। पटना इतना खूबसूरत होगा कि दुनिया देखने आएगी। ये 40 साल 70 साल वाला पटना नहीं होगा, पूरी दुनिया देखने आएगी। सब कुछ तैयार है। सबसे पहले तैयार इस बार यह है कि किसी घर को और किसी बच्चों को ना डूबने दिया जाएगा ना परेशानी होने। पप्पू जी ने खबर पटना सिटी से है, जहां पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड इलाके में तीन अपराधियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे अपराधियों के हाथ में बम गिरकर ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक अपराधी बुरी तरह जख्मी भी हो गया। घटना के बाद दो अपराधी फरार हो गए। वही घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बम ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घायल अपराधी को पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा। वही पुलिस ने घायल अपराधी की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिम कॉलोनी निवासी नदीम के रूप में की है। घटना के बाबत पता चला है कि तीनों अपराधी हथियार और बम से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। उसी दौरान दरगाह रोड इलाके में खड़े तीनों अपराधियों द्वारा आपस में बातचीत के दौरान एक अपराधी के हाथ से बम जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो गया, जिसमें नदीम नामक अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी एवं घटना के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। साइकिल गर्ल ज्योति की एक बार से खूब चर्चा हो रही है। वजह यह है कि ज्योति ने पुरस्कार के पैसे से अपने गरीब चचेरी बुआ की शादी करने में मदद की है। सिरहुल्ली की साइकिल गर्ल ज्योति ने पुरस्कार में मिली राशि में से 50,000 रुपये खर्च कर अपनी गरीब चचेरी बुआ कविता के हाथ पीले कर सभी को हतप्रभ कर दिया है। उसके इस नेक कारनामे ने पुनः एक बार उनको परिवार और समाज सहित देश दुनिया का दिल जीत लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।